प्यारे बच्चों, आज हम छठी कक्षा का इंग्लिश का लेसन ए टेल ऑफ टू बर्ड्स पढ़ेंगे, दो पक्षियों की कहानी। इस कहानी में एक मादा पक्षी है और उसके दो बच्चे हैं। एक बार एक जोर का तूफान आता है और उस तूफान में जो मादा पक्षी है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उससे बिछड़ जाते हैं। उनमें से एक पक्षी डाकुओं के पास चला जाता है और दूसरा पक्षी एक ऋषि के पास चला जाता है। जो पक्षी डाकुओं के पास जाता है वो डाकुओं जैसा व्यवहार करने लगता है और जो पक्षी ऋषि के पास जाता है वो ऋषियों जैसा व्यवहार करने लगता है। तो इस पाठ से हमें यह सीखना चाहिए कि हम जैसी संगत में रहेंगे हमारे अंदर वैसे ही गुण आएंगे। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मादा पक्षी और उसके दो बच्चे जंगल में रहते थे, इन ए फॉरेस्ट, जंगल में। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म। मादा पक्षी, या कह सकते हैं उन छोटे छोटे पक्षियों की माँ, एक तूफान में मर गई। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और छोटे पक्षी एक दूसरे से अलग हो गए। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम। उन पक्षियों को अलग अलग रहने के लिए घर मिला। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार जंगल में एक पक्षी और उसके दो बच्चे रहते थे। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल शेडी ट्री। टॉल शेडी ट्री मीन बड़ा और छायादार पेड़। उनका घोंसला एक बड़े और छायादार पेड़ में था। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटल वंस डे एंड नाइट। वहाँ उनकी माँ उनका रात दिन ध्यान रखती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर लाइटनिंग एंड रेन। जोर की गर्जना हुई, लाइटनिंग चमक हुई, एंड रेन और बारिश हुई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। ब्लू डाउन मीन हवा से उखड़ जाना, और हवा से बहुत से पेड़ उखड़ गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। और जिस पेड़ के अंदर पक्षी रहते थे वो भी नीचे गिर गया। ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट। एक बड़ी और भारी पेड़ की शाखा उस घोंसले से जा टकराई। एंड किल्ड द बर्ड, और उससे पक्षी मर गया। फॉर्चुनेटली फॉर बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉर्चुनेटली मीन सौभाग्य से। सौभाग्य से दोनों पक्षी तेज हवा से जंगल के दूसरी तरफ चले गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव वेयर ए गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से एक पक्षी गुफा के नज़दीक आकर गिरा जहाँ पर डाकुओं की गैंग रहती थी। रॉबर्स मीन डाकू, लुटेरे। द अदर लैंडेड। लैंडेड मीन जमीन पर गिरना। द अदर लैंडेड आउटसाइड ए रिसीज आश्रम ए लिटल डिस्टेंस अवे।
दूसरा पक्षी कुछ ही दूरी पर ऋषि के आश्रम के बाहर आ गिरा। डेज पास्ट, दिन बीतते गए एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और छोटे छोटे पक्षी बड़े पक्षी बन गए। वन डे, एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरण को देखा और घोड़े पर इसका पीछा किया। इट रेन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, यह हिरण जंगल के अंदर घुस गया और उसके पीछे पीछे राजा ने पीछे पीछे हिरण का पीछा किया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, जल्दी ही राजा अपना रास्ता खो गया, राजा ने अपना रास्ता खो दिया एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, और उसे पता नहीं चला कि वह अब कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वह बहुत समय तक घोड़े पर चलता रहा जब तक कि वह जंगल के दूसरी तरफ न चला गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वह बहुत थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, इसलिए वह अपने घोड़े से उतरा एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव, जो कि एक गुफा के पास था। सडनली ही हर्ड ए वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप, अचानक उसे एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। क्विक हरी अप, जल्दी करो, देर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई आया है। कम आओ एंड टेक हिज ज्वेल्स, और उसके आभूषण ले लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को, उसके आभूषणों को और उसके घोड़ों को ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स हील स्लिप अवे, नहीं तो वह चला जाएगा। स्लिप अवे मीन चोरी छुपके भाग जाना। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उस पर उसने एक बड़े भूरे पक्षी को देखा। He also heard faint noises issuing from the cave. उसे गुफा से कुछ धीमी धीमी आवाजें भी सुनाई दी। He quickly got on to his horse. Quickly means जल्दी से, got on चढ़ गया। वह जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़ गया and rode away as fast as he could. और दूर चला गया जितनी दूर वह जा सकता था। एज फास्ट एज ही कूड, जितनी जल्दी वह जा सकता था उतनी जल्दी वह घोड़े पर चढ़कर दूर चला गया। द किंग वॉज अमेज टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन, राजा ऐसी ही आवाज दोबारा सुनकर हैरान हुआ। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, उसे पक्षियों की वास्तविक कहानी के बारे में पता लगा। He met the Rishi who explained the behavior of each bird. वह ऋषि से मिला जिसने प्रत्येक पक्षी के व्यवहार के बारे में राजा को बताया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्दी ही राजा एक साफ जगह पर आ गया जो एक आश्रम जैसी दिखाई देती थी। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, यह ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री, राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़
के पास बांध दिया एंड सेट डाउन इन इट्स सैड, और इस पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस, फिर उसे एक बहुत ही विनम्र और धीमी आवाज सुनाई दी। वेलकम टू द आश्रम सर, श्रीमान जी आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपा करके अंदर आ जाएं और रेस्ट करें। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्द ही वापस आ जाएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा ठंडा पानी है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, अपने आप को आरामदायक महसूस कीजिए, या ये घर अपने आप को घर जैसा ही, इसको अपना घर जैसा ही समझें। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उसे पेड़ के अंदर एक बड़ा और भूरा पक्षी दिखाई दिया। He was amazed, उसे आश्चर्य हुआ। This one looks like the other bird outside the cave, He said to himself loudly, राजा ने स्वयं से कहा कि यह पक्षी तो उस गुफा के बाहर जो पक्षी मुझे मिला था वैसा ही दिखाई देता है। You are right sir, answered the bird, पक्षी ने उत्तर दिया, श्रीमान जी आप सही कहते हैं, He is my brother, वह मेरा भाई है, but he has made friends with robbers, लेकिन उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। He now talks as they do, अब वह उन जैसे ही बातें करता है। He doesn't talk to me anymore, वह मुझसे अब कोई बातें नहीं करता है। Just then the Rishi entered the ashram, जैसे ही ऋषि आश्रम में पहुंचा, Welcome sir, he said to the king, please come inside and make yourself at home, श्रीमान जी आपका स्वागत है, आप अंदर आएं और इसे अपना ही घर समझे। You look tired, तुम थके हुए दिखाई पड़ते हो, rest for a while, कुछ देर के लिए आराम करें, then you can share my food, फिर आप मेरा भोजन खा सकते हैं। The king told the Rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. अब राजा ने कहा, he said, the king told the Rishi the story of two birds, राजा ने ऋषि को उन दो पक्षियों की कहानी बताई, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि वे बहुत एक जैसे दिखाई देते थे लेकिन उनका व्यवहार अलग अलग था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सैड, सॉरी ये ही ऋषि के लिए आया है, ऋषि ने उसको बताया कि ये जो जंगल है वो आश्चर्य से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, द होली मैन ऋषि के लिए आया है, होली मैन मीन पवित्र आदमी, उस पवित्र आदमी ने मुस्कान दी, वह पवित्र आदमी मुस्कुराया और उसने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, आखिरकार किसी की पहचान उसकी संगत से होती है, दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, उस पक्षी ने हमेशा उन डाकुओं की बातों को सुना है। He imitates them, वह उनकी नकल करता है, imitates में नकल करना, He imitates them and talks about robbing people, और लोगों को लूटने की बातें वह करता रहता है। This one has repeated what he has always heard, और मेरे पास जो पक्षी है
उसने हमेशा उन बातों को दोहराने की कोशिश की है, उन बातों को सीखने की कोशिश की है जो उसने सुनी है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ कम इनसाइड, अब अंदर आ जाएं एंड रेस्ट और आराम करें। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं इस स्थान के बारे में तुम्हें और बताऊंगा। एंड दीज वर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में भी और बताऊंगा। अब हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के कुछ प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, दोनों पक्षी के बच्चे कैसे अलग हुए। ए स्ट्रॉन्ग विंड गोट देम सेपरेटेड, एक शक्तिशाली हवा ने या तूफान ने उनको अलग कर दिया। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, उनमें से प्रत्येक को घर कैसे कहाँ मिला। वन बर्ड फाउंड ए होम इन ए ट्री, एक पक्षी को एक पेड़ में घर मिला। द अदर बर्ड फाउंड ए होम इन ए ऋषिज आश्रम, दूसरे पक्षी को ऋषि के आश्रम में घर मिला। या फिर इन ए ट्रीज, आगे हम इसको ऐड कर सकते हैं, इन ए ट्री नियर, नियर ए केव। एक पक्षी को एक पेड़ में घर मिला और वो पेड़ गुफा के पास था। द अदर बर्ड फाउंड ए होम इन ऋषिज आश्रम, और दूसरे पक्षी को ऋषि के आश्रम में घर मिला। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, पहले पक्षी ने उस अजनबी से क्या कहा। द फर्स्ट बर्ड क्राइड एंड सेड दैट देयर वाज समवन अंडर द ट्री, पहले पक्षी ने चिल्लाकर कहा कि पेड़ के नीचे कोई आया है। कम, आ जाओ, एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आ जाओ उसका घोड़ा और उसके आभूषणों को ले लो, और ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वह भाग जाएगा। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, दूसरे पक्षी ने उससे क्या कहा। द सेकंड बर्ड वेलकम द किंग, दूसरे पक्षी ने राजा का स्वागत किया। एंड आस्क्ड हिम टू गो इनसाइड एंड हैव ए रेस्ट, और उसे अंदर जाने के लिए और आराम करने के लिए कहा। हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव, जिन तरीकों से उन दो पक्षियों ने व्यवहार किया था उसका वर्णन राजा ने कैसे किया। द ऋषि टोल्ड द किंग दैट वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ऋषि ने राजा को बताया कि किसी की पहचान उसकी संगत से होती है। द बर्ड लिविंग विद रोबर्स बिहेव्ड लाइक रोबर्स, जो पक्षी डाकुओं के पास रह रहा था उसने डाकुओं जैसा व्यवहार किया। बट द अदर बर्ड लिविंग विद ऋषि बिहेव्ड लाइक एन एजुकेटेड एंड कल्चरल मैन, लेकिन जो पक्षी ऋषि के पास रह रहा था उसने एक सभ्य आदमी और शिक्षित आदमी की तरह व्यवहार किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट, इनमें से कौन सा वाक्य इस कहानी का वर्णन सही प्रकार से करता है। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, झाड़ी में दो पक्षियों की अपेक्षा हमारे पास एक जो पक्षी है वो ही हमारे काम आने वाला है। ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब ये है जो हमारे पास है हम उसको संभाल के रखें, न कि जो हमारे पास नहीं है, अथवा कह सकते हैं कि जिसे हम खतरे से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में न सोचे, जो हमारे पास है उसको ही संभाल कर रखे। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, किसी की पहचान उसकी संगत से होती है। ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड,
जरूरत के समय जो काम आए वास्तव में वही मित्र होता है। तो बताएं इनमें से कौन सा एक वाक्य इस कहानी के बारे में बताता है, इस कहानी के बारे में हमें शिक्षा देता है। आंसर इज वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। किसी की पहचान उसकी संगत से होती है। हम कह सकते हैं कि जो पक्षी डाकू के पास था उसकी पहचान एक बुरे पक्षी के रूप में हुई, और जो पक्षी ऋषि के पास रह रहा था उसकी पहचान एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति के रूप में हुई। दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन।